साइन कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा था द लास्ट लेसन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अर्थात छीने गए बचपन की स्टोरी जो है उनके बारे में है। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ें। ऑथर इसकी है अनीस जंग, 1964 वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। वो कहाँ जन्मी थी? 1964 में राउरकेला में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो बचपना है और एडोलसेंस एज जो है वो हैदराबाद में गुजरी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ हुई? हैदराबाद में, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इनकी पढ़ाई हुई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो माता पिता थे दोनों ही बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। अनीस जंग बिगन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर अ मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अनीस जंग जो थी वो भी बहुत अच्छी लेखिका रही हैं, उन्होंने भारत में लेखन कार्य किया, और वो एडिटर और कॉलमनिस्ट भी रही हैं बहुत से फेमस न्यूज़पेपर्स में, भारत में भी और विदेशों में भी। एंड हैज़ authored several books, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, और इनमें से जो एक आपको दी जा रही है पढ़ने को वो Lost Spring, जो उनकी लिखी हुई बुक उसका शीर्षक है, उसके अंतर्गत Stories of Stolen Childhood, अर्थात छीने गए बचपन की कहानियाँ हैं। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemned these children to a life of exploitation, मतलब जो गरीबी के कारण जो है और शोषण के कारण इन बच्चों का क्या होता है, पूरा जो जीवन है बच्चों का, जो बचपना है वो एक शोषण के उसमें चला जाता है, और बच्चे अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते। अर्थात लेखिका ने यहाँ पर उन गरीब बच्चों की मनोदशा का और उनके जीवन का वर्णन किया है। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको चालू करते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्स ऑफ माई नाइबरहुड। साहेब लेफ्ट हिज नेम लॉन्ग एगो, सेट एमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। His home is not even a distant memory. There was many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him, that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow and advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. अब यहाँ पर लेखिका एक बच्चा जो कि कूड़ा कचरा बीनते हैं, जो बच्चे उन बच्चों में से एक बच्चा लेखिका के वहाँ पर देखा उसने, जिसका नाम साहेब था। उस बच्चे को लेखिका रोज देखती थी कि वो उनके पड़ोसी जगह पर आकर के कचरा बीनने का काम करता था। तो एक दिन उस बच्चे को उसने देखा कि उस बच्चे को एक रुपए का सिक्का मिला उस कचरे के ढेर में। लेखिका ने उस बच्चे से, साहेब से पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों पूरे समय ये सब करते हो, और तुमको ये करना क्या जरूरी है? उसका ये मानना था कि ये जो कचरा है, ये जो कूड़ा है, जो डस्टबिन है, इसमें से वो जो बीनेगा वो उसके लिए क्या है, सोना है। अर्थात कचरे से मिलने वाले पैसे को उसने सोने से तोला था कि मैं कचरा बीनूंगा, मुझे पैसा मिलेगा और वो सोने की तरह होगा। साहिब नाम का ये जो लड़का है, इसने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि इसने ये बताया, पहले इसका घर ढाका में बहुत ही हरी भरी खेतों के बीच में रहा करता था, लेकिन बार बार आती बाढ़ों ने क्या किया और तूफानों ने उसके घर को बहा के ले गए और वो घर से बेघर हो गया।
उस ऐसा कि उसकी माँ ने उसे बताया था। और अब वो यहाँ पर आ चुके हैं किस चीज़ के लिए कि वो सोना बीने, बड़ी बड़ी शहरों में उन कचरों में से सोना तलाशें, सोना यानी पैसा। जब लेखिका उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो साहब बोलता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। तो लेखिका बोलती है बड़े ही उससे, स्कूल जाया करो। अपन छोटे बच्चों को देख के बोलते ना कि स्कूल जाओ, क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हो। तो लेखिका ने भी उससे क्या बोला, स्कूल जाया करो। लेकिन अंदर से लेखिका को कैसा लगा, बहुत ही खोखलापन महसूस हुआ कि वो किस अधिकार से और कैसे उसको बोल रही है कि जाओ तुम स्कूल जाओ, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि गरीबी जो एक ऐसी चीज़ है और वहाँ के माँ बाप की जो आशाएँ हैं इन बच्चों से, वो ऐसी चीज़ हैं जो इनको पढ़ने जाने नहीं देंगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अरे अरे मेरे पड़ोस में तो कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, आई विल गो, जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है, साहिब बोलता है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग वे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड बट प्रोमिसेस लाइक माइंड माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। अब वो क्या बोलता है, लेखिका क्या बोलती है कि अच्छा अच्छा, उसे मजाक करते हुए बोलती है, अच्छा अच्छा अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे। तो वो लड़का बहुत ही विश्वास से बोलता है हाँ हाँ मैं आपके स्कूल में आ जाऊँगा। कुछ दिन बाद वो लड़का लेखिका के पास फिर से आता है, वो कहता है इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है ताकि मैं आ जाऊँ पढ़ने। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तब लेखिका ने बड़े संकोच के उसमें बोला कि नहीं नहीं स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। मैंने उससे मुझे लेखिका सोच रही थी कि मैंने उससे जो वादा किया शायद वो वादा ऐसा था जिसका कोई अर्थ नहीं था। पूरी दुनिया में ऐसे वादे चलते रहते हैं, लोग वादे करते हैं और निभाते नहीं हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप पिक में वो बच्चा स्कूल के सपने देख रहा है। नेक्स्ट देखें बच्चों। After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He doesn't know what it means. अर्थात जब वो कुछ महीने हो गए उसको देखते हुए लेखिका को, तो उसने उससे उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने बोला साहब-ए-आलम, अरे मेरा नाम साहब-ए-आलम है। He doesn't know what it means. लेकिन उस बच्चे को इसका अर्थ नहीं मालूम था कि नाम तो मेरा साहब-ए-आलम रखा है लेकिन इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यूज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर उसको इसका पता होता उसका साहब आलम का अर्थ होता है विश्व का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको शायद बहुत समय लगेगा इस बात को विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स एंड आर्मिंग ऑफ बेयरफुट boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब लेखिका बोलती है कि कई महीनों बाद उसने उसका नाम पूछा, उसने बहुत ही अननोइंग वे में बोल दिया कि साहब आलम मेरा नाम है। लेखिका कहती है इसको पता नहीं कि इसका अर्थ क्या होता है, साहब आलम का अर्थ होता है विश्व का स्वामी। शायद उसको बहुत दिन लग जाए अपने नाम को स्वीकार करने में, उसको नहीं मालूम कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ, उसकी टोलियों के साथ में होता है, पूरा स्ट्रीट यानी गलियों गलियों घूमता रहता है। और इसकी जो आर्मी रहती है ना, बच्चों के समूह जो रहता है, वो बेयरफुट यानी नंगे पांव, ये सब नंगे पांव घूमा करते थे, किसी चिड़िया की तरह जो सुबह निकलती है चिड़िया और शाम को दोपहर में क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है यानी विलुप्त हो जाती है। Over the months, I have come to recognize each of them. लेकिन इस महीनों के दौरान मैंने उस बच्चे के साथ जो भी बच्चे लोग जाया करते थे उनको भी पहचान लिया और वो उनसे अच्छी खासी लेखिका की जान पहचान हो गई। अब लेखिका क्या बोलती है, Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring from the down from the shelf. He answered simply. अब लेखिका ने फिर उससे एक क्वेश्चन पूछा, अरे अरे तुम नंगे पाँव हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। लड़के ने बहुत उससे कहा, नहीं नहीं मेरी माँ उनको अलमारी से नीचे ही नहीं उतारती है, जब मेरी माँ मुझे अलमारी से नीचे उतार के नहीं देगी तो मैं चप्पल कैसे पहनूंगा। मतलब यहाँ पर भी वो बच्चा क्या बोल रहा है, लेखिका कैसे झूठ बोल रहा है, अपनी गरीबी को छुपा रहा है।
इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच व्हेन आई कमेंट्स ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड वाय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ पेयर ऑल हिज लाइफ Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty. अब यहाँ लेखिका बोलती है कि अरे दूसरा व्यक्ति उसने बच्चे से पूछते हैं कि क्यों तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है तो बच्चा बोलता है मेरी माँ उनको अलमारी से नीचे नहीं निकालती इसलिए मैं चप्पल नहीं पहना तभी दूसरा बोलता है अगर इसकी माँ निकाल के दे भी देगी ना इसको चप्पल या जूते तो भी ये फेंक देगा और एक और बच्चा रहता है जो जूते पहनता है उसको छुपाता सा है एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखता है क्यों क्योंकि उसका जो जूते का जोड़ा रहता है वो कैसा रहता है एक सा नहीं रहता एक पैर में दूसरा और दूसरे पैर में दूसरा जोड़ा दूसरा जूता उसने पहना रहता है दोनों अनमैच्ड रहते हैं तीसरा बच्चा क्या बोलता है आई वॉन्ट शूज मुझे जूते चाहिए क्यों बोलता है क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में एक जोड़ी जूता नहीं देखा होता ना पहना होता अब लेखिका बोलती है कि मैं इतने देशों में गई यहाँ वहाँ घूमी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नंगे पांव घूमते हैं चाहे शहर हो चाहे गांव की सड़कें हों ये सिर्फ इसका कारण ये नहीं है कि लैक ऑफ मनी यानी पैसे ना होना ही कारण नहीं रहता बल्कि ये एक ट्रेडिशन हो गया है इस टाइप के लोगों में नंगे पैर रहने का तब लेखिका खुद सोचती है कि शायद ये ट्रेडिशन इसलिए बन गया क्योंकि वो जो गरीबी का जो अवस्था है उसको लोग वर्णन करना नहीं चाहते यानी सामान्यतया गरीब होने के कारण वो जूते नहीं खरीद पा रहे तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम लोग जूते नहीं पहनते हैं नेक्स्ट देखें आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of. आगे देखें बच्चे इसको read करते हैं पूरा. Desolation in the backyard, where lived the new priest. There were. Red and white plastic chairs, a young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wear shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remains shoeless. अब यहाँ पर लेखिका बोलती है कि उसको एक उडुपी क्षेत्र के भी घटना याद आती कि वहाँ टेम्पल में एक पुजारी का बेटा था जो स्कूल जाते समय टेम्पल के मंदिर के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करता था वो प्रार्थना किस चीज़ के लिए करता था एक जोड़ी जूते पाने के लिए मुझे एक जोड़ी जूते देवी माँ मुझे एक जोड़ी जूते दे दो उस चीज़ की वो क्या करता था प्रार्थना किया करता था कुछ दिनों बाद जब लेखिका को वहाँ आती है 30 साल बाद जब लेखिका वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर अब जो नया पुजारी आ चुका था सफ़ेद और लाल रंग की प्लास्टिक चेयर के वहाँ पर एक नया बच्चा जो था वो क्या करता है ग्रे यूनिफॉर्म पहन करके सॉक्स एंड शूज़ पहना रहता है और वो अपना स्कूल बैग वहाँ पर फोल्डिंग बेड के ऊपर डाल देता है जब उस बच्चे को वो लेखिका देखती है तो उसे वो बच्चा याद आता है कि जो टेंपल में प्रार्थना करने जाता था कि हे माँ मुझे एक जोड़ी जूते दे दूँ और जब उसको एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं ईश्वर की कृपा से तो वो कहता है अब मैं इसको कभी नहीं खोऊंगा और वो उसको बहुत ही संभाल के रखता है तो बच्चों ये यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे ये स्टोरी जो है ये पूरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो हर जगह सिटीज़ में शहर में गांव में
जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे जिनका बचपन छीना जा चुका है उनके बारे में है। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू